गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप क्लास फोर्थ पेज नंबर 85 पे एक्सरसाइज 7.3 क्लासिफाई करना है। ए वाला क्वेश्चन देखो, क्लासिफाई द फ्रैक्शन एज प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें क्लासिफाई करना है इस फ्रैक्शन का प्रॉपर है, कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर है और कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें कि न्यूमेरेटर क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से, है ना। ऊपर वाली संख्या यानी कि छोटी होती है नीचे वाली संख्या, अपॉन के नीचे वाली संख्या, अपॉन के बाद नीचे वाली संख्या जो होती है छोटी बड़ी होती है, तो वो क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि न्यूमेरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो जैसे कि अब ये पहला वाला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाला 15/4, यहाँ पे न्यूमेरेटर क्या है 15 है और डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है आपको पता है, ऊपर संख्या क्या कहलाती है न्यूमेरेटर और नीचे वाली संख्या अपॉन के नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है हमारे डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 15 क्या है बड़े हैं किससे, फोर से, यानी डिनोमिनेटर से बड़े हैं। तो ये क्या होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमेरेटर जो होता है बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो वो क्या हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे 15 क्या है अपॉन यानी डिनोमिनेटर से बड़े हैं, तो क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा देखो, उसमें न्यूमेरेटर छोटे हैं डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा ये प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने एरो बना के आपको लिख के बताया है, ये आपको नोटबुक के अंदर भी ऐसे ही करना है। आगे थर्ड वाला क्वेश्चन 48/49, तो यहाँ पे 48 स्मॉलेस्ट है 49 से, यानी न्यूमेरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ही फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो 18/13, यहाँ पे न्यूमेरेटर बड़े हैं डिनोमिनेटर से, तो ये बड़े हैं तो क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी ऊपर वाली संख्या डिजिट जो होनी चाहिए वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए नीचे वाले डिजिट से, तो वो क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर। और फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा आपका 6/7, यानी ऊपर न्यूमेरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा ये प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ही सिक्स वाला क्वेश्चन देखो 1/9, तो ये भी प्रॉपर हो जाएगा। सेवन वाला देखो 17/5, तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। 8/5, ये भी इम्प्रॉपर। और नाइन वाला क्या हो जाएगा 4/5, यानी न्यूमेरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा प्रॉपर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 6/9, यानी न्यूमेरेटर यहाँ पे छोटा है डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया है, इसको भी आपको नोटबुक के अंदर नोट करना है और नीट और क्लीन हैंड राइटिंग में होना चाहिए। ये वाला आपका क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।